जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल रमन इंडिया में। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से इंडिया के सभी जोनल रेलवे के महामहिम वरिष्ठ पदाधिकारी CPO साहब, GM साहब, इन सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, और हमारे इस बातों से अगर किसी को भी जरा सा भी ठेस पहुँचे तो मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश भारत का ही है। आज उसी संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक उनका वर्णन किया गया है। मैं अनुच्छेद 19 के ए में जो बोलने की स्वतंत्रता है, उसके माध्यम से, उसके तहत मैं यह बात अपने सभी जूनियर रेलवे के GM साहब से, CPO साहब से रखना चाहता हूँ। सर, पिछले 3.5 सालों से जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि कभी ना कभी हमारा वेटिंग भी क्लियर होगा, आज उन सभी के सपनों को, उन सभी के मंसूबों को जो उन्होंने दिन रात एक कर पढ़ाई की, उनके सपने पूरे करने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया, जितने कष्ट सहे, जितने रेलवे बसों में धक्के खा खा कर वे एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम दिए और वो एग्ज़ाम उनका सफल भी हुआ, इस उम्मीद से कि वो भी रेलवे में अपनी सेवा दे पाएंगे, उन्हें भी रेलवे में सेवा करने का मौका दिया जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सर कि हम भी आपके बच्चे के समान ही हैं, आप हम लोगों की वेटिंग क्लियर कर दीजिए, हम लोगों की मजबूरी को समझे सर, हम लोगों की परेशानियों को समझे। मैं एक बात भी सर आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक बात बताइए, 2014 में वैकेंसी आती है LPN टेक्नीशियन की, 2014 के बच्चे कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं, जो सफल होते हैं वो तो ठीक है, और जो असफल हो गए वो दूसरी बारी की प्रतीक्षा में वो 2018 में फॉर्म फिलअप करते हैं। और एक बात बताइए, 2014 का विद्यार्थी 2018 में फॉर्म फिलअप करता है और वो किन्हीं कारणों से वेटिंग में रह जाता है और 4 साल इधर फिर होने को चला है, यानी कि एक वैकेंसी के चलते वो 8 साल उनका बर्बाद हो रहा है। यही सब बातें हैं सर, मैं जो आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग को ऊपर से ऑर्डर भी मिल चुका है, रेलवे सुप्रीमो का लेटर भी जारी हो चुका है सारी वेटिंग क्लियर करने की। प्लीज़ सर, आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों का वेटिंग क्लियर कर दीजिए। मैंने कल परसों देखा कि भोपाल के GM से मिलने के लिए जितने स्टेट बैंक के स्टैंड बाय के कैंडिडेट गए, उनसे अच्छी तरह से बातें भी नहीं की गई, उन्हें भगा दिया गया और कह दिया गया कि जो लेटर जारी हुआ उनका क्या जवाब देना है हम समझेंगे। ये कैसे मुमकिन है सर, आखिर हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? आपके पास पहले जाते थे तो आप कहते थे कि पहले रेलवे से अप्रूवल लेके आओ, ऑर्डर लेके आओ, अब तो ऑर्डर भी हो चुकी है सर। प्लीज़ सर, हम लोगों की मजबूरी को समझते हुए हम लोगों की वेटिंग क्लियर कर दें, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं सर। मैं निवेदन करता हूँ सर आप सभी से, CPO साहब से, GM सर से, कि प्लीज़ हम लोगों की वेटिंग क्लियर कर दी जाए। ऑल जोनल रेलवे के GM सर को मैं प्रणाम करता हूँ कि सभी बोर्ड के वेटिंग को क्लियर कर दिया जाए सर, हमारी मजबूरियों को समझते हुए
मैं आपसे यह नम्र निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।